लो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या के बारे में कि हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा के बारे में आजकल उनके डिवोर्स को लेकर बहुत सी वीडियो बनाई जा रही हैं और बताया भी जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा उनसे तलाक भी मांग रही है। और यह बात सभी को पता है, हार्दिक से शादी करने से पहले नताशा एक फैशन शो में मॉडलिंग करती थी। जब नताशा को पता चला कि भारत में सबसे ज़्यादा क्रिकेटर्स के पास पैसा होता है, तो नताशा ने हार्दिक से शादी कर ली। और यह शादी हार्दिक और नताशा दोनों की ही मर्जी से हुई थी। और शादी के कुछ सालों बाद ही हार्दिक और नताशा के बीच एक बच्चा भी हुआ था। साल 2024 के इस आईपीएल मैच में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस टीम का कप्तान भी बनाया गया, परंतु इसमें न तो हार्दिक पांड्या की बॉलिंग ही ठीक रही और न ही बैटिंग, और कप्तानी भी ठीक तरह से निभा नहीं पाए, जिस कारण मुंबई इंडियंस टीम को हार का सामना करना पड़ा। और फिर कुछ ही दिनों बाद हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा ने उनसे तलाक भी मांग लिया। और बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ने जितना अब तक कमाया था उसमें से 70% नताशा को भी देना पड़ेगा। क्या हार्दिक पांड्या का भी वही हाल होगा जो मोहम्मद शमी और शिखर धवन का हुआ था? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।